नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन खबरों की जिन्हें मनवादी मीडिया द्वारा छापने की जगह छिपाया जाता है या फिर तोड़ मरोड़ के अपने आकाओं को फायदा पहुंचाने के हिसाब से दिखाया जाता है। इसलिए हम अपने प्रोग्राम में देश विदेश की सभी ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं जो मनवादी मीडिया नहीं दिखाती है। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की सभी मुख्य खबरें, वो भी विस्तार से। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने खोली हिंदुओं की पोल। उन्होंने कहा, हिंदू समाज ढोंगी है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं पूजा के लिए, भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूँ के भाई लोगों, प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाए। तुम जय तो बहुत बोलते हो गौ माता की, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देती हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की ना दूध पीते ना गाय पालते, गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर वन। दूसरी खबर यूपी से। यूपी के देवबंद में चोरी के शक में शाहरुख नामक युवक को गोली मारकर हत्या। घटना 7-8 सितंबर की रात की बताई जा रही है। युवक मजदूरी करके अपने साथियों के साथ घर लौट रहा था। देर रात चोरी की अफवाह के बाद शाहरुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाहरुख के साथियों ने छुपकर अपनी जान बचाई। यह घटना यूपी के देवबंद के परौली गांव की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दो आरोपी धर्मवीर और ओमपाल को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। घटना की सूचना मिलते ही देर रात एएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और एसपी देहात डॉक्टर सूरज राय सहित स्थानीय पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। रात्रि में थाना देवबंद में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक को गोली लगी है, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पहुंचकर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि रात्रि में 1-2 बजे के करीब 5-6 की संख्या में कुछ बाहरी युवक गांव से गुजर रहे थे, जिनको देखकर लोगों में, ग्रामवासियों में अपराधी समझकर कोलाहल की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस पर एक व्यक्ति द्वारा फायर किया गया जो कि मृतक को लगी और इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है दो लोगों के खिलाफ मृतक के परिवारजनों की तहरीर पर। और जो दोनों व्यक्ति हैं जिसने फायर किया और जिसके घर से फायर हुआ, दोनों व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और इसमें उनके आगे नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस को दिए गए हैं और वहां पुलिस तैनात कर आवश्यक शांति व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है। अगली खबर कर्नाटक के बेंगलुरु से है। बेंगलुरु विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक मंदिर के निर्माण का मामला सामने आया है। मंदिर निर्माण का मामला सामने आने के बाद वहां कई छात्रों ने इसका विरोध किया और अधिकारियों से बात की। वे छात्र वहां मंदिर की जगह पुस्तकालय बनाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के हक पर डाला शिवराज सरकार ने डाका। एमपीपीएससी की 2018 की बाद हुई 3 परीक्षा में अनुसूचित जात को नहीं मिला 16% आरक्षण। यह खबर दैनिक भास्कर अखबार में भी छपी है, जिसकी कटिंग भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आस्ते ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी अनुसूचित जात पर 3 साल से अत्याचार कर रही है। आरक्षण अधिनियम में एससी को 16% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन सरकार एससी वर्ग का आरक्षण कम करके एससी को 11.7, 12.3 और 13.8% आरक्षण दे रही है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि वो एससी वर्ग का शोषण ही चाहती है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां अतिक्रमण की वीडियो बनाने पर गाजियाबाद की घोड़ा कॉलोनी में नगर पालिका के कर्मचारियों ने दलित समाज के लोगों के साथ घर में घुसकर जानलेवा हमला किया।
इस खबर में बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। योगी राज में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। को साथ लेकर के 15-20 लड़कों ने घर पर किया हमला, लेडीजों को, महिलाओं को मारा, आदमियों को मारा, बहुत बुरी तरह से किया है। देखो ये सारी पब्लिक जुड़ी हुई है, ये लेडीज है, देखो बहुत बुरी तरह से, ये लड़के के चोट लगी हुई है, इनके कपड़े फाड़े हैं, बहुत मारा, पूरे परिवार को मारा है। प्रशासन चुप बैठा है, पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हैं। अब 112 पे कॉल कर दिया, अभी तक आए नहीं है। हमारी विनती है जो अपराधी हैं, जिन्होंने दंगा किया है, गुंडाई करी है, कृपया जल्दी से जल्दी प्रशासन उन्हें अरेस्ट करे, वरना हम रोड जाम करेंगे। तो ये थी आज की मुख्य और बड़ी खबरें। देश में किस प्रकार का माहौल है, दलित मुसलमानों पर अत्याचार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। स्कूल कॉलेजों में सरकार के लिए किताब और लाइब्रेरी से ज्यादा मंदिर जरूरी हैं। दिन प्रतिदिन दलित गरीब मजदूरों के हितों की हकमारी हो रही है। सोचिए जब मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में ही अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो अन्य विभागों की छोटी मोटी नौकरियों में अभ्यर्थियों को आरक्षण का क्या फायदा मिलता होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी इस पूरे प्रोग्राम पर, इस खबर पर क्या राय है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को एक बार पुनः अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।